मॉनसून सत्र की, जहां आज मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। जी हाँ, 3,65,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये बजट पेश होगा और प्रदेशवासियों पर नए कर का कोई भी बोझ आज नहीं बढ़ाया जाएगा। सभी वर्गों को साधने का प्रावधान भी रखा गया है। संकल्प पत्र की पूर्ति की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव के कारण सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरिम बजट पहले प्रस्तुत किया था और आज पहला पूर्ण बजट सरकार पेश करने जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां गृह मंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, आपको बता दें उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज पहला पूर्ण बजट पेश करेंगे। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले वो भगवान के दर्शन करने पहुंचे हैं और सभी की खुशहाली से भरा ये बजट होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा बजट ये साबित होने वाला है। आम जनता ने इस बजट से ढेर सारी उम्मीदें भी लगा रखी है। तो जगदीश देवड़ा आज इस बजट को पेश करेंगे। आपको बता दें मोहन यादव सरकार का पहला बजट है ये और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की मंजूरी के बाद बजट को अंतरिम रूप दे दिया गया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करेंगे। करीब 4.25 करोड़ के बजट में जन भागीदारी वाली योजनाओं पर सरकार का फोकस रहेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री कह चुके हैं कि बजट में किसी भी तरह की अतिरिक्त टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए जनता पर अतिरिक्त भार नहीं आने की उम्मीद भी है। इसके अलावा अर्थशास्त्रियों ने बजट में, आपको बता दें कि बजट लगा रखी है, तो सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हमारे साथ प्रदीप तलरीजा जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारी, कहां मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं, वित्त मंत्री कब तक वहां पहुंचेंगे, सुन पा रहे हैं? प्रदीप से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें मोहन सरकार का जो पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री यहां पर बजट पेश करने से पहले पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट। जी हां, मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट है और वित्त मंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। सरकार का ये पहला बजट आम जन के लिए कैसा होगा, हालांकि देखना होगा। सभी वर्गों को साधने की कोशिश इस बजट के दौरान की जाएगी, खास करके निम्न वर्ग को साधने का प्रयास भी इस बजट में किया जाएगा। तो अलग अलग तरीके के टैक्सों से भी आपको बताए छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा पहला पूर्ण बजट ये है, पब्लिक से जुड़ी योजनाओं पर सरकार का फोकस इस बजट में रहने वाला है। तो मॉनसून सत्र के दौरान पहला पूर्ण बजट आज पेश हो रहा है। प्रदीप तलरेजा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, मोहन सरकार का आज पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है और क्या कुछ खास इस बजट में हो सकता है, वित्त मंत्री कब तक पहुंच रहे हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां? देखिए, मोहन सरकार का पूर्ण बजट अगर की हम बात की है तो आज पेश होने वाला है। अब से कुछ देर बाद जो डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, वो अपने निवास स्थान से मंत्रालय के तौर पर विधानसभा पहुंचेंगे और जहां पर कैबिनेट में पहले बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक के बाद वहां पर कई प्रस्ताव होने, उसके बाद जो आगे की जो कार्यवाही है बजट पेश करने के, लगभग 11:05 का समय है जब ये बजट पेश किया जाएगा। लेकिन देखिए, सवेरे से ही जब सबसे पहले आज डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा उठे, उसके बाद उन्होंने पूजन पाठ कर तमाम जो जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया। इसके बाद अब कुछ देर बाद जो है वो अब पत्रकारों से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, जिस प्रकार का बजट बताया जा रहा है उसमें ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी प्रकार का नया कर नहीं बढ़ाया जाएगा, जनता के ऊपर किसी प्रकार का जो बोझ है वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये जरूर है कहा जा सकता है कि जब भी उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा है कि जनता से जुड़े और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया,
हालांकि देखिए इस बार सबसे बड़ी बात यह रही है कि इस बजट की अगर हम बात करें तो तमाम प्रकार से सरकार ने जो है वो ये कहा कि ई पोर्टल जारी किया था, उसके माध्यम से उन्होंने जनता से सलाह मांगी थी कि जनता से सलाह मांगकर ही इस बार का जो बजट है वो कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा। किसी वर्ग विशेष को ये नहीं कह सकता क्योंकि हर वर्ग को लेकर के साधने की कहीं ना कहीं इस बजट में पूरी कोशिश होगी, चाहे वो महिलाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो या वृद्धों की बात हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये रहेगी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करना, कैसे मध्य प्रदेश में आने वाले समय में निवेश को कैसे बढ़ावा मिले। लाडली बहनों को जो भी 1250 रुपये मिल रहा है क्या उसमें उस बजट में भी इस बार प्रावधान किया जाएगा कि उसके बजट को बढ़ाया जाए। साथ साथ कई ऐसे विभाग रहेंगे जिन पर कहीं ना कहीं अच्छी जो ये कह सकता है नजर रहेगी, उस नजर के माध्यम से सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि आने वाले समय का एक साल का जब बजट आएगा तो उस बजट में क्या कुछ नया जो है वो सरकार देने जा रही है। जी ये भी समझना चाहेंगे आपसे प्रदीप, जिस तरीके से पुराने कुछ टैक्सों को बिल्कुल सेम रखा गया उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, कौन कौन से वो टैक्स है जिसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। देखिए कई प्रकार के टैक्स जो है वो लगातार यहाँ पर देखे जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से खुद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बता चुके हैं कि किसी प्रकार का टैक्स जो है वो बढ़ावा नहीं जाएगा, कि जनता की जिस प्रकार से महंगाई लगातार हमने देखी है, महंगाई बढ़ी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता पहले ही परेशान है। और अब इस पर कहीं ना कहीं जो ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार ये नहीं चाहती कि जनता पे और ज्यादा बोझ बढ़े, लेकिन देखिए अगर बात विपक्ष की जाए तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बनी हुई है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार का जो बजट है, बजट में चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे तमाम जो युवाओं को जो कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए या तमाम जो इस प्रकार के काम है उसको सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। लेकिन देखिए अब जगदीश देवड़ा आपसे कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, किसी भी समय लगभग जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं और ये उनके आने की जो हलचल है वो लगभग हो चुकी है। अब जगदीश देवड़ा यहाँ आएंगे, पत्रकारों से चर्चा करेंगे क्या कुछ बजट में कुछ नया हो सकता है या बजट में किस प्रकार से तमाम चीजें रहेंगी या कैसे उनको बढ़ावा देंगे, उन सभी तमाम बातों को लेकर देखिए कहीं ना कहीं नजर जरूर रहेगी। और अब से कुछ पल के बाद जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और पत्रकारों से चर्चा करेंगे और बजट के बारे में कहीं ना कहीं ये जरूर जो है वो बताते नजर आएंगे कि बजट किस प्रकार का रहेगा और कैसे वो उसको जब पेश करेंगे तो क्या तमाम बजट पर रहेंगे, किस पर फोकस रहेगा। नजर बना के रखिएगा। तो आज का दिन बेहद खास, बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आप देख रहे हैं घर से निकलने से पहले की ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मोहन सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है, प्रदेश का वित्त विभाग संभाल रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा, उनको आप तस्वीरें देख रहे हैं उनकी और वो बजट जिस तरह से कैद हो चुका है उस बैग में और आज बजट प्रस्तुत करें। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में इस बार सदन के लिए खास तैयारियां हैं बजट से। चलिए नमस्कार, नमस्कार सभी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका मेरे निवास पर आप आए, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट आज प्रस्तुत होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज जैसा कि सबको पता होगा कि समाचार पत्र में भी आया है, उत्तर प्रदेश में हाथरस में बहुत बड़ी कोई घटना हुई है और इंदौर में भी कुछ घटना हुई है जिसमें आश्रम में कुछ बच्चों की मृत्यु हुई है। तो उत्तर प्रदेश की घटना भी और मध्य प्रदेश में भी जितनी भी दिव्य आत्मा है उनको मैं सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार के उन सब लोगों को
इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करे और प्रभु उनको ईश्वर के चरणों में स्थान दे। उपस्थित बंधुओं, सभी प्रयुक्त साथियों, आज मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य बजट आज यहां विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश उन्नति की ओर अग्रसर है। उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट प्रस्तुत होगा, जनता का बजट, जनता के लिए और जनता को यह समर्पित होगा। हमने जैसा कि पूर्व में बजट प्रस्तुत किए थे उसमें भी हमने जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और प्रबुद्ध जनों से भी हमने संवाद किया था। जो बजट के विशेषज्ञ हैं उन लोगों का भी हमने एक संवाद का कार्यक्रम प्रशासन एकेडमी भोपाल में रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण लोग उसमें आए थे। सब सुझावों को हमने एकत्रित करके उन पर मंथन किया है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कैसा हो इस पर पूरी तरह से हमने गंभीरता से विचार किया है और जो सुझाव इस बजट में सम्मिलित करने जैसे थे रूप से सर्व सभी वर्गों का विशेष नहीं लगाया था और नया टैक्स अभी लगेगा। सभी विभाग मध्य प्रदेश सरकार में जो सब विभाग हैं सभी विभागों का हमने ध्यान रखा है, चिंता की है। कहीं किसी विभाग में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो चिकित्सा, शिक्षा, खेल, सभी जितने विभाग हैं सब में हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और निश्चित रूप से इसमें ध्यान रख करके ही बजट प्रस्तुत हमने करेंगे। आज आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार का जो कर्ज है मैं मुझे कहते हुए गर्व भी है। सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ज्यादा खर्च किया है। अगर हमने कर्जा लिया है तो पूंजीगत व्यय करने के लिए लिया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने कर्जा लिया है और कर्जा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत जो एफआरबीएम का नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत हमने कर्जा लिया है। भारत सरकार की परमिशन उसमें लेना पड़ती है और कर्जा बहुत कम समय के लिए नहीं, कर्जा हमेशा बहुत लंबे समय के लिए लिया जाता है। तो निश्चित रूप से उसके देने की प्रक्रिया जो रहती है समय समय पर हम पूरी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिमिट के अंदर, अभी तो कर्जा लेने की लिमिट हमारी बहुत है लेकिन हमने उसके अंदर कर्जा लिया है, लेकिन हम दोनों चिंता कर रहे हैं कि कर्जा लेकर के समय पर कर्जा देना, उसका ब्याज देना, कर्जा लेना कोई बुरे नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी सरकारें चल रही है प्रदेशों में सब सरकार कर्जा लेती है, लेकिन सरकार कर्जा ले और कर्जा लेकर के प्रदेश की जनता की, राज्य की जनता की चिंता करके उनकी सड़कों के लिए प्रबंध करे, सिंचाई का प्रबंध करे, पेयजल के लिए प्रबंध करे, भवन बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, डेवलपमेंट के लिए
पूंजीगत व्यय करने के लिए अगर लेते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुरे नहीं है। बार बार इस बात को कहना, अच्छा कांग्रेस के टाइम की सरकार की बात अगर मैं कहूंगा तो मुझे नहीं लगता ये सब चर्चा करना चाहिए, लेकिन उस समय स्थापना के खर्च में कर्जे का उपयोग किया गया, वेतन भत्ते देने में उपयोग किया गया, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि यह बजट हमारा बहुत ही राजस्व आय बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी विभाग हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो माइनिंग हो, और भी नए नए नवाचार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई कमी इस मध्य प्रदेश में पैसे की नहीं आएगी, न योजना बंद होगी, न डेवलपमेंट बंद होगा, सब काम चलेगा। जनता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। अभी तो जो प्रावधान किए मुझे लगता है वो भी कोई कम प्रावधान नहीं है। लाडली प्रावधान है, मुख्यमंत्री कन्यादान का प्रावधान है, महिला सशक्तिकरण, प्राण जाए पर वचन न जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जब जो कहा है उसको पूरा किया है। धार्मिक स्थानों को लेकर के भी और महापुरुषों के स्थानों को लेकर के भी हमने पूरी चिंता की है, और आपको मुझे लगता है कि पता होगा संत रविदास जी महाराज का जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो मंदिर है सागर में, 100 करोड़ कोई उज्जैन का ले लें, ओंकारेश्वर का ले लें, जहां भी ले लें, सारे पहले कभी मैंने नहीं देखा, मुझे भी 1990 से विधायक रहने का अवसर मिला, लेकिन मैंने नहीं देखा कांग्रेस की सरकारों में कि कभी इन धार्मिक स्थानों के बारे में चिंता की हो, महापुरुषों के कहीं उनके बारे में चिंता की हो, कभी नहीं की। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार आपकी भावना के अनुरूप, आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप निश्चित रूप से आपकी भावना का सम्मान करने वाली सरकार है और आगे भी करेगी। अब मैं अभी मुझे लगता है कि 11 बजे अभी बजट रखेंगे। बड़ी हमने बिल्कुल निरंतर प्रगति की, हमने लगातार हमने इन सब मामलों में जीडीपी वगैरह में हमने प्रति व्यक्ति आय में सब में हमने बढ़ोतरी की है, तो मुझे खुशी है आप सब लोग रहेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। शिक्षा चिकित्सा, इन पर विशेष हम फोकस करेंगे निश्चित रूप से, जिनमें आवश्यकता है जो बहुत जरूरी है उन पर हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और इन सब का ध्यान रखते हुए बजट पेश करेंगे। सभी का इसीलिए कहा है कि युवा, गरीब, महिलाएं, किसान, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 4 महत्वपूर्ण है, उन पर पूरा फोकस करेंगे। आप सबका निवास स्थान पर आए इसलिए मेरी ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप, थैंक यू। तो जब जब जो जो कहा है सरकार ने वो किया है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आप सुन रहे थे। बजट पूर्ण आज पेश होने वाला है, उसके पहले उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार में जो जो योजनाएं चल रही हैं पुरानी महिलाओं से जुड़ी हुई, वो तमाम योजनाएं जारी रहेंगी, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, चिकित्सा को लेकर
आगे निरंतर मध्य प्रदेश सरकार प्रगति पथ पर है। किसानों के लिए भी मोहन सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों को अब ये देखना होगा क्या कुछ इस बजट पर रखा गया है और किस तरह से राहत पहुंचाई गई है किसानों को। इसके अलावा कृषि यंत्र किसानों से जुड़े सामानों पर टैक्स कम किया जा सकता है ऐसी उम्मीद है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कि किसी भी तरह का टैक्स स्लैब इस बार बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट आ रहा है और कई वर्गों को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। इस तरह की बातों का भी जिक्र उसमें उन्होंने किया है। और जब 11 बजे बजट पेश होगा तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य किसानों को लेकर कई तरह के प्रावधान उसमें किए गए हैं। बजट 2024-25 को अंतिम रूप दे दिया गया है और अब से कुछ ही मिनट का वक्त होगा जब बजट आज पेश किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट आज पेश होने जा रहा है। इसके पहले की तस्वीरें सामने आई थी जब उन्होंने दिखाया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, जिस तरह से हम सुन रहे थे जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री, उन्होंने कहा है हर वर्गों का ध्यान रखा गया है, महिलाओं के लिए तमाम जो योजनाएं हैं राज्य सरकार की वो जो चल रही है वो बंद नहीं होंगी। दूसरी तरफ कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है, क्या उम्मीदें हैं अब किसानों को और दूसरे वर्गों को? बिल्कुल, देखिए 4.25 लाख तकरीबन का ये जो है बजट अनुमान है और अगर इसमें हम बात करें तो 1,45,000 से अधिक का पहले ही जो है अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है। इस पूरे संदर्भ में देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा बजट पे फोकस है बजट का तो वो है लाडली बहना, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, सिंहस्थ और साथ में गेहूं उपार्जन पे। इन 5 चीजों को जो है बजट के मुख्य बिंदुओं में रखा गया है, यानी कि शासकीय योजनाएं, सिंहस्थ यानी कि टूरिज्म और गेहूं यानी कि कृषि, इनके इर्द गिर्द ये बजट जो है पूरा घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो पूंजीगत निवेश के लिए तकरीबन 60,000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में जो है किया गया है, जो तो हमारे पास सूचना है। लेकिन हम अगर इसके और अगर संदर्भ में देखें तो प्रधानमंत्री से संबंधित जो स्कीम्स हैं यानी कि केंद्र और प्रदेश की भागीदारी वाली स्कीम, कुछ स्कीम जिसमें 60-40 का रेशो है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उज्ज्वला योजना और इन तमाम योजनाओं में जो रेशियो है उस संदर्भ में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि तैयारियां हैं और 60-40 और 80-20 के रेशियो वाली तमाम योजनाओं के लिए बजट आवंटन लगभग 45,000 करोड़ का है। तो बहुत बड़ा बजट अगर हम देखें तो केंद्र और राज्य की भागीदारी योजनाओं का भी इसमें रखा गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो जिसका सबसे बड़ा इंतजार है वो मैं आपको बता दूं कि वो इंतजार इस बात का है मध्य प्रदेश में जिस तरह से अगर हम देखेंगे तो डीजल पेट्रोल की बात हो रही है जीएसटी को लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हम प्रहलाद पटेल जो है वो यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं बजट को लेकर, उनकी किस तरह की उम्मीद है और किस तरह का ये रहेगा। सर 2 मिनट ले लेंगे सर, किस तरह की उम्मीद है मध्य प्रदेश के भले की? मध्य प्रदेश के भले की उम्मीद है। प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ में थे, उनसे हमने बात की। हालांकि चूंकि अभी बजट के ठीक पहले जो तैयारियां होती हैं उस संदर्भ में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पहले एक जो है औपचारिक बैठक होगी कैबिनेट मंत्रियों के साथ में वित्त मंत्री की, और इसके बाद में कहीं ना कहीं हम देखेंगे आगे जो है उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। मूल रूप से पहली बार अगर हम देखें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह से बजट आया है क्योंकि चुनाव के पहले अंतरिम बजट दिया गया था, तो पूर्ण बजट कम ही होता है कि जब जुलाई में आता है, हम देखते हैं कि ये मार्च अप्रैल में आता है। अभी थोड़ी सी परंपरा को बदल के फरवरी किया गया था लेकिन इस बार पूरी तरह से बदलाव है, लगभग 6 महीने का बदलाव है। और यही कारण है कि बजट को लेकर जो रोमांच होता है वो एक्साइटमेंट आम लोगों में फिलहाल नहीं नजर आ रही। जी तो बिल्कुल, फिलहाल आम लोगों में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा लेकिन उम्मीदें सभी वर्गों को है। दूसरी तरफ आपने अभी जिक्र किया कि बैठक भी होने जा रही है, हालांकि ये भी जानकारी दीजिए क्योंकि बजट तो पूरी तरह से तैयार हो चुका है तो अब इस बैठक में और क्या कुछ होगा? देखिए एक सामान्य परंपरा होती है बजट के लिए, जो अगर हम बताएं तो परंपरा ये होती है कि एक जब भी आपका वित्त मंत्री बजट पढ़ने जाता है तो उसके पहले उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी जाती है, तो सिर्फ विश करा जाता है, तो एक बहुत औपचारिक परंपरा है। उसके संदर्भ में सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जो है वित्त मंत्री के साथ में बैठेंगे और उनको शुभकामनाएं देंगे बजट के लिए। और बिल्कुल एक औपचारिकता बैठक जो है वो होगी लेकिन उसके बाद जो है वो वित्त मंत्री बजट
पेश करेंगे और देखना होगा क्या कुछ होता है इस बजट में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।